नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ टेस्टी और कुछ हेल्दी। आज हम बनाएंगे ये ओट्स और वेजिटेबल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ढोकला। बहुत ही कम तेल में, बस एक चम्मच तेल का तड़का लगता है और ये बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप ओट्स, आधा ही कप हमने ये सूजी ले ली, नॉर्मल वाली सूजी है। ये ओट्स भी जो हम घर में ओट्स बनाने के लिए यूज करते हैं वो ही वाला ओट है। और इसे हमें क्या करना है, हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेना। तो इसे डालेंगे एक पैन में और हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। आँच मीडियम रखेंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। बस ये देखिए, इस तरह से हमने इसे रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार में और इसे हम पीस लेंगे। पीसना भी बस एक बार चलाना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है, रवे जैसा ही ये हो जाए इसके। तो ये देखिए ये पिस गया है, इसे निकाल लिया हमने। ये देखिए इस तरह से ये पिस गया है, थोड़ा रवे जैसा ही टेक्सचर इसका है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने सूजी ली थी, रवा जो है उसे हम इसमें मिला देते हैं। हमने एक हरी मिर्च ले ली है, एक इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। तो हरी मिर्च और अदरक अच्छे से डालें, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस लेते हैं। आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट डाल सकते हैं आप इसमें। तो इसे हमने ये देखिए पीस लिया, थोड़ा दरदरा सा ही। अब इसमें हम डाल देंगे एक कप कर्ड, घर का ही दही है, ज्यादा खट्टा भी नहीं लेना है, नॉर्मल दही हमने इसमें ले लिया है। तो ये देखिए सब हमने इसमें पानी हमने इसमें आधा कप डाल दिया है और इसे हम एक बार चला लिया। और ये देखिए ये हमने इसमें मिक्स कर दिया, करीब 1.5 कप हो गया। हमने इसमें 1 कप दही डाला था और आधा कप पानी, तो ये सब कुछ मिला के 1.5 कप हो गया है। सूजी है, थोड़ा पानी सोख लेती है, तो अभी आपको लग रहा होगा पतला है। अब इसमें हमने डाल दिया 1 कैरेट, हमने कद्दूकस करके रखा था वो डाल दिया, काफी सारा हरा धनिया डाला। हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें और सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं इसमें, आप इसमें गोभी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, कैप्सिकम डाल सकते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी हल्का सा जो खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो चीनी को हमने भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या करना है, 10 मिनट ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी है ना तो थोड़ा सा पानी सोख कर लेगी और टाइम भी चाहिए उसे सोखने के लिए। तो ये देखिए ये मिश्रण ऐसा गाढ़ा सा तैयार। अब हमने एक थाली ले लिया, इसमें ऑयल लगा के इसे चिकना कर लेते हैं। तो आपको जितना आपने बैटर लिया उसी हिसाब से एक बर्तन ले लें। तो आप इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच, अगर इस तरह का नहीं है तो आप एक पाउच पूरा जो आता है ना इनो का, वो एक पाउच इनो इसमें आप डाल सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब इसमें इनो डाल दिया। तो अच्छे से एक बार मिक्स देंगे इसे और इसे डाल देंगे इसी थाली में। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हमें इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर है वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ये तैयार हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें स्टीम करना है। तो हमने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया है, ऊपर से एक स्टैंड रख दिया है, तो पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये थाली को रख देंगे और ढक देते हैं, पैन को ढक देते हैं और 15 से 16 मिनट में ये पक जाएगा। तो आँच मीडियम ही रखेंगे और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। तो एक चाकू डाल के देखते हैं। तो ये देखिए चाकू एकदम क्लीन आया है, बस ऐसे ही चेक करना है। जब चाकू एकदम क्लीन आ जाए तो हमें उसे निकाल लेना है। तो गैस बंद कर देते हैं और इस ढोकले को बाहर निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे डीमोल्ड करें वरना टूट जाएगा निकालने में, क्योंकि गर्म और बहुत सॉफ्ट होता है। तो एक प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर इसे हम इस तरह से डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी ये दिख रहा है, एकदम जालीदार ये ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर इसको कट कर लेंगे और फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो अपने पसंद पीसेस काट लें, छोटे बड़े जैसे आपको खाने हो वैसे पीसेस काट लें। तो ये देखिए हमने इसको काट लिया, अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का पैन में डाला है हमने 1 चम्मच तेल, बहुत कम तेल में ये बनता है। बस 1 चम्मच तेल में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच, मतलब 1 टीस्पून है, हमारा चम्मच छोटा है ना, तो 2 छोटे चम्मच के करीब चने की 1 टीस्पून हमने इसमें राई डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच, यही जो चम्मच था हमारा, तो 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें सफ़ेद तेल डाल दिए हैं। थोड़े से 10-12 के करीब हमने इसमें छोटे छोटे करी पत्ते हैं वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च काट के डाल देते हैं, स्लिट करके आप चाहें तो डाल दें, काट के डाल दें, जैसे आपको पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब हम इसमें हींग डालेंगे, हींग का जो फ्लेवर होता है ना
और ढोकले के ऊपर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए ये तड़का तैयार है, तड़के को डाल देंगे हम ढोकले के ऊपर, सारे ढोकले को डाल दिया है, ऊपर से हरी धनिया से गार्निश करेंगे और बस तैयार है हमारा ढोकला। ये देखिए कितना अच्छा ये ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो इसके साथ क्या सर्व करना है, इसके साथ बनाए बढ़िया सी हरी चटनी, और हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। ये ढोकला बहुत टेस्टी होता है और जैसा कि ओट से बना है, बहुत ही कम तेल में बना है, तो बहुत ही हेल्दी है। इसे आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।